नमस्कार मित्रों, हम लोग राम द डायरी या फिर एनी फ्रैंक के थर्ड पार्ट का अध्ययन करेंगे। आवर एंटायर क्लास, हमारा संपूर्ण क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स रूट्स, गंभीरता और भय से कांप रहा था। द रीजन, कारण था, आप कोर्स वास्तव में वास्तविक कारण था, इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग। फोर्थ कमिंग मीन्स आगामी मीटिंग, आगामी जो मीटिंग थी, इन विच द टीचर्स डिसाइड, जो अध्यापक निर्णय करेंगे, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कौन अगले क्लास में जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसको रोक दिया जाएगा। हाफ द क्लास, आधा क्लास इज मेकिंग बेट, शर्त लगा रहा था। जियन और मैं हंसने लगी। आवर सेल्फ सिल्ली, स्वयं की मूर्खता पर। एट द टू बॉय, जो दोनों लड़के थे, दोनों लड़के की मूर्खता पर हंसने लगी। बिहाइंड अस, जो हमारे पीछे बैठे थे। सियन और जैक्स हु हैव स्टैग्ड, जो दाव लगाए देयर एंटायर हॉलीडेज, पूरी छुट्टी का। सेविंग ऑन देयर बेट, अपनी शर्त को बचाने के लिए, जो पूरा संपूर्ण छुट्टी ही दांव लगा दिए हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं पास होऊंगा। यस, हाँ, यू आर, तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं पास होऊंगा। इवन जीएस भी, प्लीडिंग ग्लैंस, नजरें एंड ऑफ माई एंग्री, और मेरे क्रोध को की वकालत करते हुए। आउट ब्रश्ड, जो भड़का रहा था। कैंट काम देम डाउन, जो शांत नहीं रखा जा सकता है। इफ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछो, तो देयर आर सो मेनी डमीज, बहुत से मूर्ख बच्चे हैं क्लास में, डमीज मूर्ख बच्चे हैं। दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, क्लास का एक चौथाई। शुड बी केप्ट बैक, रोक लिया जाना चाहिए। बट टीचर्स, लेकिन अध्यापक, आर द मोस्ट, सबसे अधिक अनप्रेडिक्टेबल, जो कि उनके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। क्रेचर ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर ऐसे प्राणी हैं, मतलब टीचर पृथ्वी पर ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मैं नहीं हूँ शो वरीड, तो इतना चिंतित। अबाउट माई गर्लफ्रेंड, अपने मित्रों के बारे में, एंड माई सेल्फ, अपने स्वयं के बारे में, और मित्रों के बारे में मैं बहुत चिंतित नहीं हूँ। विल मेक इट, हम लोग पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट, केवल सब्जेक्ट, आई एम नॉट श्योर, मुझे निश्चित नहीं है अबाउट बारे में। इज मैथ, वो गणित है। एनी हाउ, किसी तरीके से। आल वी कैन डू, हम लोग कर ही सकते हैं, जो हम लोग सब यही कर सकते हैं। इज वेट, वो इंतजार करना है, वो सब जो करना है हम लोगों को, वो इंतजार करना है। इंतजार करना, क्या कर सकते हैं। Until then, जब तक। We keep telling, until माने तक, then तब तक। We keep telling, हम लोग बताते रहेंगे each other, प्रत्येक दूसरे को। Not to lose heart, कि अपना हिम्मत ना छोड़े, अपने साहस ना छोड़े, हिम्मत बनाए रखें। I get along pretty well, मेरी बनती है All my teachers, सभी अध्यापकों से मेरी अच्छी बनती है। There are nine of them, उनमें से नौ लोग हैं। Seven men, सात पुरुष हैं। And two women, और दो महिलाएं हैं। नौ स्टाफ हैं, जिसमें सात पुरुष हैं, दो महिलाएं हैं। मिस्टर किसिंग जो है द ओल्ड फागी, वो पुराने स्वभाव के हैं, पुराने विचारों के हैं। हु टीचेज मैथ, जो मैथ पढ़ाते हैं। वाज
एनवाइट विथ मी फॉर एज, जो मुझसे लंबे समय से नाराज रहे हैं। बिकॉज, क्योंकि आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग, बहुत चेतावनी देने के बाद, ही असाइंड मी, वह मुझे दिए थे एक्स्ट्रा होमवर्क, फालतू होमवर्क दिए थे। एन एससी ऑन द सब्जेक्ट, जो विषय पर एक निबंध था। ए चैटर बॉक्स एक बातूनी। व्हाट कैन यू राइट, आप क्या लिख सकते हैं अबाउट दैट, उसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं। आईड वरी, मैं चिंता करूंगी अबाउट बारे में, दैट लेटर बाद में, मैं उसके बारे में बाद में चिंता करूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किए। आई जॉट डाउन, मैंने लिख ली टाइटल, शीर्षक को। इन माई नोटबुक, अपने नोटबुक में मैंने टाइटल को लिख ली। टक्ड इट इन माई बैग, अपने बैग में रख ली। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और शांत रहने के लिए प्रयास की। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आईड फिनिश द रेस्ट, मैंने शेष समाप्त किया। ऑफ माई होमवर्क, शेष मैंने होमवर्क अपना समाप्त करने के बाद। द नोट अबाउट द एसे, जो निबंध का जो नोट था, नोटबुक था। काट माई आईज, मेरी निगाह उस नोटबुक पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग, मैं सोचने लगी अबाउट द सब्जेक्ट, उस विषय के बारे में। वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और मैं अपने फाउंटेन पेन के नोक को चीविंग कर रही थी, उसको चबा रही थी। तो फाउंटेन पेन के नोक को चबाते समय मैं उस विषय पर सोचने लगी। कोई भी रैम्बल में सोता है लंबे समय बिना उद्देश्य के बात करना, तो लंबे समय बिना उद्देश्य से कोई भी बात कर सकता है। एंड लीव बिग स्पेस, और बड़ा स्थान छोड़ सकते हैं बिटवीन द वर्ड, शब्दों के बीच में लंबा स्थान छोड़ सकते हैं। बट, लेकिन ट्रिक वाज टू कम अप द कन्विंसिंग आर्गुमेंट, द ट्रिक जो है वो कम टू, उसको लाना है कन्विंसिंग आर्गुमेंट, तर्क पर विश्वास करते हुए उस ट्रिक पर लाना है। टू प्रूव सिद्ध करने के लिए, द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, जो बात करने की जरूरत है उस चीज को सिद्ध करने के लिए हमको विश्वास के तर्क पर उस चीज को ट्रिक पर लाने की जरूरत है। मैंने सोची एंड सडनली, और अचानक आई हैड एन आइडिया, मुझे एक विचार आया। आई रूट, मैंने लिखी तीन पेज लिख दी। मिस्टर किशिंग हैड असाइंड मी, और मैंने मिस्टर किशिंग को दे दी। एंड वाज सेटिस्फाई, और मैं संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड, मैंने तर्क किया। दैट टॉकिंग, जो बात करना है, इज ए स्टूडेंट ए स्टेट, वो विद्यार्थी का एक गुण है, एक विशेषता है। दैट आई डू बेस्ट, जो मैं अच्छा करूंगी। टू कीप इट अंडर कंट्रोल, नियंत्रण के अंतर्गत, मैं जो बात करती हूँ उसको अपने नियंत्रण में रखने के लिए सबसे अच्छा प्रयास करूंगी। बट लेकिन दैट आई वुड नेवर बी एबल, लेकिन मैं कभी इससे सक्षम नहीं हो पाऊंगी। टू क्योर माई सेल्फ, समाप्त करने में हैबिट, आदत, लेकिन मैं इस आदत को कभी भी समाप्त नहीं कर पाऊंगी। सिंस, क्योंकि माई मदर टॉक्ड, क्योंकि मेरी माँ भी बात करती है। एज मच आई डिड, जितना मैं बात करती हूँ, तो मेरे जैसा मेरी माँ भी बात करती है। इफ नॉट मोर,
अधिक नहीं, मैं अपनी माँ से अधिक बात नहीं करती हूँ, मतलब जितना मेरी माँ बात करती है वैसे मैं भी बात करती हूँ। दैट देयर्स नॉट मच, जो कि अधिक नहीं है। यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड, और आप उत्तराधिकार मिले विशेषता या आदत को आप कुछ कर नहीं सकते हैं। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माय आर्गुमेंट। मिस्टर किसिंग मेरे तर्क में बहुत हंसे। एंड बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे, लेकिन मैं जब आगे और बात करने लगी, थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अगले लेसन में जब मैं और बात करने लगी, ही असाइंड मी ए सेकंड एसे, तो वह मुझे दूसरा निबंध दे दिए। दिस टाइम, इस बार, इट वॉज सपोज टू बी, ये माना जाता है एन इनकॉरिजिबल, ऐसी बतूनी जिसको सुधारा ना जा सके। चैटर बॉक्स, ऐसी बतूनी जिसको सुधारा ना जा सके, उस पर जो है निबंध लिखना था। आई हैंडेड इट इन, मैं उसे लिखकर दे दी। एंड मिस्टर किशिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, शिकायत नहीं किए अबाउट फॉर टू होल लेसन, पूरे दो लेसन तक जो है मुझे मेरी शिकायत नहीं की। हाउएवर, तो भी ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरे लेसन के समय, हीड फाइनली, वह अंत में हैड एनफ, बहुत हो गया था। लेकिन तीसरे लेसन में मैं बहुत बात करती थी। एनी फ्रैंक को एज पनिशमेंट, सजा के रूप में, टॉकिंग, बात करने की, क्लास में बात करने की सजा में, राइट एन एसे, निबंध लिखना था, टाइटल जो शीर्षक था क्वैक, सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, क्वैक्स मिस्टर चैटरबॉक्स। तो धन्यवाद, यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।